गाइज वेलकम बैक माई चैनल महा खान ब्लॉग एंड वेलकम बैक माई अन अदर व्लाक असला एवरी वन आई होप आप सब खैरियत से होंगे मजे में होंगे एंजॉय कर रहे होंगे सेफ होंगे अपने अपने घरों में मैं भी खैरियत से हूं अलहमदुल्ला जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी सिस्टर समोसे बना रही हैं और वो मुझे कह रही थी कि मत बनाओ मेरी वीडियो मेरे हाथ इतने गंदे हो रहे हैं मैंने कहा कुछ नहीं होता हाथ तो गंदे होंगे जब आप काम करेंगे तो हाथ तो गंदे होंगे ऐसी कोई बात नहीं है इतने भी गंदे नहीं थे गायस ये मतलब एक प्रॉपर वो जो कहते हैं ना कि लई जो बनती है जो हम लोग झंडियों पे लगाते थे वही लई जो है अब समोसों के ऊपर लगाई जाती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से फिर समोसे बंद नहीं होते हैं वैसे मम्मा तो पानी से भी बना देती थी लेकिन अब वो खुल जाते हैं तो मेरी सिस्टर इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करती हैं पूरा प्रोफेशनल अंदाज में तो उसमें लई लगाना बहुत ज़रूरी और समोसे देखें कितने मज़े के समोसे बना रही हैं मेरी सिस्टर्स और ये इसका जो मसाला है इसमें आलू भी ऐड है इसके अंदर चिकन भी ऐड है ये मिक्स तरीके का मसाला बनता है हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं ये समोसे इसमें आलू की क्वांटिटी कम होती है वैसे चिकन का खीमा ज़्यादा ऐड होता है लेकिन वो जो बीच बीच में से थोड़ा आलू का टेस्ट भी आता है ना तो वो बहुत डिफरेंट इसे बनाता है और बहुत मज़े के ये समोसे बनते हैं आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि रमज़ान में ये हमारे घर में ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता मतलब प्रॉपर रमज़ान में खाए जाने वाली ये चीज़ है और रमज़ान में घर के समोसों को बहुत वैल्यू दी जाती है पूरा साल बाहर के समोसे खाना पसंद करते हैं और रमज़ान में घर का समोसा होना चाहिए तो ये मेरी सिस्टर बना रही हैं और कितनी खूबसूरती से वो समोसा बना रही हैं आप देखें हर किसी का ना समोसा इस तरीके का नहीं बनता जैसे प्रॉपर एक शेप होता है ना समोसे का तो वो इस तरीके से नहीं बनता कोई कभी अच्छा भी बन जाता है कभी टेढ़ा भी बन जाता है पर इनका जो हर शेप है ना हर समोसे का जो शेप होता है वो प्रॉपर तरीके से बनता है मैं जब बनाने बैठूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कोई समोसा मशरक में जा रहा होता है कोई समोसा मगरब में जा रहा होता है कभी कभी तो मेरे भाई मुझे हंस के कहते हैं तुम तो इंटार कनेक्टा का नक्शा बना देती हो यार <laughs> तुम ना बनाया करो और मेरी सिस्टर बनाएं क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से खूबसूरत शेप वाले खूबसूरत से समोसे बनाते हैं और बड़ी मेहनत से बनते हैं मतलब मैं तो एक चंद क्लिप आपको इसके दिखा रही हूँ और उनको एक घंटा हो गया था तो इतने समोसे बनाने के अंदर बहुत नफासत से बहुत डिज़ाइन करके साफ़ सुथरे से वो समोसे बनाती हैं। बनाती हैं और फिर इसे जिप लॉक बैग में आ, सेफ करके फिर ड्र में रख देती हैं और फिर ये हफ्ते के हिसाब से या दस दिन के हिसाब से चलते हैं अगर आप ज़्यादा बना लें तो एक हफ़्ते के अंदर फिर ये ख़त्म होते हैं फिर एक हफ़्ते के बाद फिर बनाने होते हैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के रखने का आ, बिल्कुल दस्तूर है ही नहीं हम लोग इस बात को बहुत फील करते हैं कि इतनी ज़्यादा दिन की ये चीज़ें तो फिर हम नहीं खाते तो यह जैसे लोग होते हैं पूरे पूरे महीने की चीज़ें बना के ड्रिप फ्रिजर में रख देते हैं यार रमज़ान ही है मतलब पूरा दिन आपको मिलता है अब इन चंद चीज़ों के लिए आप एक महीने के रखी हुई चीज़ें खाओ तो वो तो आप अपनी सेहत के साथ मजाक ही कर रहे हैं चंद व्लॉग बनाने के लिए कि यार रमज़ान की प्रिपरेशन हो रही है तो हमें ये भी बनाना है हमें वो भी बनाना है आप जो भी बनाएं थोड़ा सा बनाएं और चंद दिनों का बनाएं पर एक महीने का तो गोश्त भी नहीं खाना चाहिए <laughs> लोग समोसे कैसे खा सकते हैं ठीक है फ्रोजिंग आइटम मिलते हैं और हर कोई खाता भी है उनके ऊपर भी दाद देनी चाहिए कि वो कैसे खा लेते हैं तो अब ये समोसे तैयार हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह और अब दस्तरखान लग चुका है अवतार का टाइम है और आज अवतार में बनी है ये मैंने समोसे बनाए हैं और ये थोड़ा गैस का प्रॉब्लम चल रहा था कभी तेज़ हो रही थी कभी हल्की हो जाती थी तो इस तरीके से एक का समोसा मेरा थोड़ा डार्क कलर का हो गया लेकिन इतना भी डार्क नहीं हुआ है खाया जा सकता है ये मेरी सिस्टर ने पास्ता बनाया था और ये भी चिकन पास्ता है बहुत मज़े का उन्होंने बनाया है चना चाट बनाई है माशाल्लाह से और उसके साथ दही बड़े हैं और दही बड़े बघार वाले हमारे घर में बनते हैं बघार बघार के हम लोग दही बड़े नहीं खाते हैं और ये खजूर है माशाल्लाह माशा से ये बलोचिस्तान का खजूर है ब्लैक खजूर जो होता है ये वहाँ से भाई लेकर आए हैं और हमेशा रमज़ान में हमारे पास आता है बलोचिस्तान का खजूर है कोई पता नहीं उसकी कोई ख़ास जगह है वहाँ का ये खजूर होता है और ये इतना मीठा होता है इतना मीठा और इतनी इसके अंदर एनर्जी होती है कि आप एक भी खाएं तो इनफ होता है और अब टाइम हो गया था अफ्तार का तो बस अब मैं रोज़ा खुल ही रहा है और मैं अब माशाल्लाह से रोज़ा खोल रही हूँ और मैं सिर्फ अपना ब्लॉग बनाती जा रही हूँ क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही सब मेरी फैमिली को कभी भी एतराज़ नहीं होता है कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन सबकी प्राइवेसी का ख्याल करूँ ये फैमिली का हमेशा से बात और वैल्यू रही है कि आपको इस बात को वैल्यू देना है और जैसा कि मैं हमेशा ही करती हूँ मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ मैं अपना ही व्लाग बनाती जा रही हूँ आज सच में इतनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी कि अब अवतार करने का टाइम है तो सुकून मिल रहा है और खजूर खा के तो इतना सुकून मिला है कि वाकई पेट में कोई चीज़ गई है क्योंकि सैरी में मैंने इतना कुछ खाया नहीं था तो अब प्रॉपर वाली मुझे भूख लग रही है और आप लोग सुनाए गाइस आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं मेरे तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छे ही चल रहे हैं और अब आगे भी इंशाल्लाह से अच्छे गुजरें बस यही दुआ है और आसानियाँ रहें और इतने मज़े के ये समोसे बने हैं ना गाय सच में आप यकीन करें आप घर में बनाएं बल्कि हर कोई बनाता है रमज़ान में ऐसी बात नहीं है काफ़ी लोग बनाते हैं और घर के समोसे इतने अच्छे होते हैं लाइट होते हैं हम अच्छे ऑयल में उनको फ्राई कर रहे होते हैं बाहर के समोसे तो पता नहीं कौन कौन से ऑयल यूज़ हो रहे होते हैं और एक दफ़ा फ़्राई होने के बाद वो महीनों चलाते हैं वही ऑयल उसी में से फ्राई कर करके दे रहे होते हैं तो बाहर के बिल्कुल भी अभी सही नहीं है तो इसको अवॉइड करें आप घर में बनाएं अच्छे ऑयल में बनाएं अच्छा मटेरियल डालें चाहे चिकन डालें चाहे बीफ डालें मटन डालें आप पर डिपेंड करता है हमारे घर में तो हर किसी को चिकन के समोसे बहुत पसंद है तो हमारे पास तो चिकन के ही समोसे बनते हैं और आलू बस थोड़ा सा इसलिए डाला जाता है कि वो और थोड़ा सा उसको लजीज कर देता है क्योंकि कभी कभी किसी को आलू का समोसा भी चाहिए होता है तो सबकी डिज़ायर पूरी होती रहती हैं और पास्ता ये चिकन पास्ता बना हुआ तो बहुत ही अमीर और मैं बहुत ज़्यादा पास्ता लवर हूँ मुझे तो बस यही खाना था वैसे मैं हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खाऊँगी ऐसी बात नहीं है मैं कुछ भी छोड़ने वालों में से नहीं हूँ <laughs> लेकिन पास्ता जो होता है ना वो पास्ता होता है और मुझे पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सिस्टर को बोल भी रही थी कि आपने बहुत अच्छा करा है पास्ता बना के उन्होंने कहा हाँ मुझे पता था कि तुमने बस यही कहना है <laughs> सच में बना बनाया पास्ता सामने हो तो शुक्रिया अदा करना बनता है और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और पास्ता सच में बहुत ही अम है खाइस और रोजे में पास्ता मिल जाए अफतारी टाइम में शायद ये कहना चाहिए फिर तो अफतारी बन जाती है <laughs> मतलब मूड आपका बहुत अच्छा हो जाता है आपकी अफतारी में बरकत आ जाती है पास्ते से <laughs> जो पास्ता लवर है ना वो हमेशा ऐसी बात करेगा वरना तो फिर सबकी अपनी अपनी चॉइस है किसी को कुछ पसंद होता है किसी को कुछ पसंद होता है वैसे मेरी सिस्टर जो हैं वो वेजिटेबल भी ऐड करती हैं आज उन्होंने प्रॉपर चिकन के खेमे के अंदर जो पास्ता बनाया है ना ओ माय गॉड इसका तो फ्लेवर ही अलग है मतलब बहुत मज़े का बना है ये इसमें किसी वेजिटेबल की ज़रूरत ही नहीं है बहुत यमी स्पाइसी सा बहुत सॉसी सा बहुत यम टाइप का पास्ता ये बना है वरना ज़्यादातर तो हम लोग चिकन क्यूब क्यूब की शक्ल में चिकन को कट करके पास्ते में ऐड करते हैं पर ये जो कीमे के अंदर पास्ता बना है उसका तो जवाब मतलब लाजवाब बना है ये और अब मैं अपने लिए निकाल रही हूँ दही बड़े और ये रेडीमेड दही बड़े हैं आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं लेकिन हम लोग रेडीमेड लाइट वेट दही बड़े पसंद करते हैं और हमारे घर में भी सब माशाल्लाह से यही खाते हैं और ये चना चाट मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ अब हम लोग जो है वो इस तरीके से खाते हैं दही बड़े वरना मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं वो दही बड़े अलहदा खाते हैं चना चाट अलहदा खाते हैं ये देखे मैंने इस पर पापड़ी भी ऐड कर दी है तो पापड़ी के बगैर तो दही बड़े का मज़ा ही नहीं है तो अधूरे लगते हैं मुझे दही बड़े जिसमें पापड़ी ना हो और ये मैंने सब ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी और फिर मैं माशाल्लाह माशाला खाऊंगी बसमल रखमान रही <laughs> बहुत मज़े के लजीज़ दही बड़े ये हो जाते हैं इस तरीके से प्रॉपर इसे बना के खाने में बहुत मज़ा आता है ये देखें गाइस ये आप लोगों के लिए बाइट आप लोगों के मुंह में यकीनन पानी आ गया होगा <laughs> क्योंकि दही बड़े सबको पसंद होते हैं इस तरह की बातें तो करनी भी नहीं चाहिए कि हो सकता है आपका रोजा हो और आप लोग रोजे में मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो गाइस इन बातों को अवॉइड करते हैं तो गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो जो मेरे चैनल पे नया है वो फौरन मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें मैं इन नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलूंगी गाइस तो छुप छुप के ना देखें सामने आके चैनल को सब्सक्राइब करें महा खान चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह हाफि